सो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी IRCTC का अकाउंट नहीं है और अगर आप लोग अपना खुद का IRCTC का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप लोग जो है IRCTC एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपने रेल टिकट या फिर किसी भी प्रकार के टिकट को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। गाइस, अगर आप लोग एक भी गलती करते हो सो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो यार, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को IRCTC का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद अगर आप लोग खुद का टिकट वगैरह बुक करने जाओगे, तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपका खुद का अकाउंट होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है, देखो, कोई भी टिकट बुक करोगे तो उसके लिए आप लोग को लॉगिन या फिर रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि बिना अकाउंट का आप लोगों का यहाँ पर कोई भी टिकट वगैरह बुक नहीं होगा, कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले देखो यहाँ पर लॉगिन बटन मिल रहा है, सिंपली इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। ठीक है, सो दोस्तों, जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को रजिस्टर यूजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को करना क्या है, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा आप मतलब एक वेबसाइट पर। अब ये जैसे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, सिंपली इसको अलाउ कर देना। देन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ कर सकते हो, मैंने इसको जो है डोंट अलाउ कर दिया है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को अपना यूज़र नेम डाल देना है। यूज़र नेम देखो यूनिक होना चाहिए, यूनिक कहने का मतलब वो अभी तक किसी ने ना इंटर किया हो। यूज़र नेम यूनिक कैसे डाल सकते हो, मान लो आप लोग को यूज़र नेम कोई सा भी डालना है, यूज़र नेम डालने के बाद आप लोग जो है कुछ न्यूमेरिक डाल सकते हो, कुछ डिजिट वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वगैरह डाल करके और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट वगैरह डाल दोगे तो ये मतलब अवेलेबल आप लोग का बता देगा। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं बताता है तो इसको आप लोग को चेंज करते रहना है, और चेंज कर करके आप लोग को यहाँ पर यूजर नेम अपना सेट कर लेना है। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पर यूजर नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग को फुल नेम बोलेगा, रिक्वायर्ड है, जो कि फुल नेम आप लोग को एंटर कर देना है। फुल नेम में आपका जो भी नेम है उसको एंटर कर देना, पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर, और सेम पासवर्ड को कन्फर्म कर देना। ठीक है, यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी डाल देना है। ईमेल आईडी वही डालना है जो आपका एक्टिवेटेड हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर OTP आएगा, उससे OTP वेरिफिकेशन होगा। तो एक्टिवेटेड ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है, जो आपके मोबाइल नंबर पे हो या फिर कहीं पर भी हो, बस उससे आपका OTP पता चल जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर में ये इंडिया सिलेक्टेड रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर से क्लिक करके और इसको इंडिया पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग को अपना कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, जो कि यहाँ पर लिख रखा है PPRJH। ये कैप्चा चेंज होते रहता है, मेरे में ये कुछ और है, आप में कुछ और होगा। अगर आप लोग को समझ में कैप्चा नहीं आ रहा है तो सिंपली रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना, ये कैप्चा यहाँ पर से चेंज हो जाएगा, और उस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कैप्चा पर क्लिक करके इसी सेम चीज़ को जो लिखा गया है उस सेम चीज़ को फिल करना है। अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो कैपिटल फिल करना है, अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो स्मॉल लेटर में फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग का मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मेरा फील्ड है, जो कि मैंने हाइड कर रखा है, और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी फिल है। तो मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है। ठीक है, OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोग का कैप्चा भी देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा को फिर से यहीं पर फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जैसे ही OTP आप लोग फिल कर दोगे, एक मोबाइल नंबर पर आएगा और एक आपके ईमेल आईडी पर आएगा। दोनों को यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद OTP पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही गाइस यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, जहाँ पर लिखेगा कंटिन्यू और विल डू इट लेटर। तो आप लोग को क्या करना है कि मतलब आप लोग का प्रोफाइल अभी कंप्लीट करना है या फिर इसको बाद में कंप्लीट करना है, तो ध्यान से समझो, इसको अभी के अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में का प्रोसेस बाद में ही रह जाता है। ठीक है, और आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम भी आ जाए, तो इसलिए अभी ही आप लोग को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आप लोग को कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह आप लोग को फिल करने के लिए बोलेगा। इसमें आप लोग को क्या फिल करना है, सबसे पहले आप लोग मेल फीमेल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोलेगा, जो कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर एड्रेस 1 में आप लोग डाल सकते हो, जो जहाँ पर भी आप लोग रहते हो। एड्रेस 2 ऑप्शनल है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसको भी फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद पिन कोड आप लोग को आपका पता होगा, सिटी आप लोग का आपका पता होगा, स्टेट की कौन सा है वो आप लोग को फिल कर देना है, यानी कि आपका एड्रेस के हिसाब से आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है उसको सिंपली आप लोग को यहाँ पर फिल कर लेना है।
फिल करने के बाद यहाँ पर जो भी दोनों ऑप्शन टिक करने के लिए बोलेगा उस दोनों ऑप्शन को टिक करके सबमिट बटन पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे तो जैसे कि देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके आ चुका है, यहाँ पर लिख चुका है कि योर यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीट नाउ। सिंपली आप लोग को यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब सिंपली ओके बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग को अपना जो है IRCTC एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आप लोग को जो है यूजर आईडी और आपका पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलेगा। तो जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने यूजर आईडी इंटर किया है, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पासवर्ड इंटर किया है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके कैप्चा फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पिन सेट करने के लिए बोलेगा, जहाँ पर आप लोग को 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का पिन सेट कर सकते हो या फिर बायोमेट्रिक भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली उसको फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना पिन सेट कर दिया है, चाहूँ तो मैं यहाँ पर बायोमेट्रिक भी सेट कर सकता हूँ, यानी कि फिंगरप्रिंट वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा रिमेंबर पिन का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ओके बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा और इस पिन को आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट या फिर होटल जो भी आप लोग को यहाँ पर बुक वगैरह करना है या फिर कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी है, डेफिनेटली यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग का जो भी यहाँ पर टिकट वगैरह बुक होगा सारी चीज़ें आप लोग के अकाउंट में शो होगी। कैसे, आप लोग अगर मान लो इस फोन से किसी और फोन में भी आप लोग देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग को IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर देना है और उसमें लॉग इन हो जाओगे सक्सेसफुली। वहाँ पर भी आप लोग को सारी चीज़ें शो करने को मिल जाएंगी, यानी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग का ट्रांजेक्शन में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्या आप लोगों ने टिकट वगैरह बुक किया है या फिर नहीं किया है। बाकी गाइज इसको कैसे यूज़ करते हैं और IRCTC को यूज़ करके कैसे टिकट वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं, अगर आप लोग को ये नहीं पता है सो डेफिनेटली इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कॉमेंट करोगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि IRCTC का अकाउंट आप लोग को कैसे क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आप लोग को समझा दिया है। सो गाइज यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर ना तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।